हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सबको मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं टमाटर की चटनी, जो खट्टी मीठी बनाने वाले हैं हम। देख लीजिए कैसे बना रहे हैं। टमाटर में कट लगा लिए हैं, टमाटर को अच्छे से धो के कट लगा लिया है। कट लगाने के बाद हम एक पतीला में पानी गर्म करेंगे। पानी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें सारे टमाटर को डाल के 5 मिनट तक उबाल लेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, देख लीजिए हमारा टमाटर अच्छे से छिलके बाहर आ चुके हैं। अब हम इसे एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे ठंडा करने के लिए। दो मिनट ठंडा हो जाने के बाद हम इसका छिलका उतार लेंगे सारे टमाटर से। ये देख लीजिए कितने आसानी से सारे छिलके बाहर आ गए हैं। छिलका फेंक देंगे हम, छिलका बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। और टमाटर को बारीक चॉप कर लेंगे। उसके बाद हम एक कढ़ाई गरम करेंगे, उसमें 1 चम्मच देसी घी डालेंगे। आप चाहे तो रिफाइंड भी डाल सकते हैं। और इसमें हम 1 छोटी चम्मच जीरा डालेंगे तड़के के लिए। जीरा हमारा भुन चुका है। अब इसमें हम डालेंगे 2 तेज़पत्ता और 4 हरी इलायची खुशबू के लिए और 4 सूखी मिर्च डालेंगे, लाल मिर्च। इससे हमारी चटनी में और स्वाद बढ़ जाएगा। तड़का हमारा रेडी हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे चॉप किया हुआ टमाटर। टमाटर को अच्छे से मिक्स करेंगे तड़के में हम। दो मिनट के बाद देख लीजिए पक गया है हमारा थोड़ा सा। अब इसमें हम डालेंगे 4 बड़े चम्मच शक्कर। आप चाहे तो गुड़ भी डाल सकते हैं इसमें, गुड़ से भी बहुत अच्छी बनती है ये चटनी। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम शक्कर को टमाटर में। उसके बाद हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा काला नमक, आप सादा नमक भी डाल सकते हैं इसमें। अब इसे हम ढक देंगे 2 मिनट के लिए और ढक के अच्छे से पका लेंगे। 2 मिनट हो चुका है। अब इसे हम खोल के फिर से चलाएंगे, नहीं तो हमारी चटनी लग सकती है कढ़ाई में। और एक फ्लेम को एकदम मध्यम ही रखना है, हाई फ्लेम पे नहीं बनाना है इसे, मीडियम आंच पे ही बनाना है। अब इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे ऐसे छलने से दबा दबा के। और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच बड़ा काजू जो कट के लिया है मैंने। और ये 1 चम्मच बड़ा हम डालेंगे इसमें नारियल फ्रेश ताज़ा घिसा हुआ। इससे चटनी में बहुत ही अच्छी इसकी टेस्ट आती है नारियल की। अब इसे हम चलाएंगे अच्छे से, 5 मिनट तक पकाएंगे। अब देख लीजिए 5 मिनट के बाद हम इसे चटनी हमारा बनके तैयार हो चुका है। अब इसे हम सर्व करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।